नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट काउंटिंग आरसनआर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है कि जो स्टूडेंट्स टेली को प्रैक्टिकली और प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं और टेली सॉफ्टवेयर को सीख के अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज के साथ जॉब भी करना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम सबको पता है कि 8 नवंबर 2020 के बाद टेली सॉफ्टवेयर एक अपना नया रिलीज जो कि टेली प्राइम के नाम से है लॉन्च करने जा रही है। तो दोस्तों, आज हम प्रेजेंट टाइम में टेली डॉट ERP9 सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं और 8 नवंबर के बाद में टेली डॉट ERP9 सॉफ्टवेयर से संबंधित जो सर्विसेज है वो कंपनी की तरफ से धीरे धीरे क्लोज कर दी जाएगी और फर्दरली हमें किसी भी टाइप की इंक्वायरी के लिए जब हम कंपनी के टोल फ्री नंबर पे या कस्टमर केयर नंबर पे हम जब संपर्क करेंगे हमारी किसी भी समस्या के लिए, तो हमें टेली प्राइम के जो फीचर्स अपडेट किए गए हैं उन्हीं फीचर्स के अकॉर्डिंग हमें सर्विसेज मिलेगी, यानी कि उन्हीं नए फीचर्स के साथ हमें गाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे भी टेली प्राइम में प्रैक्टिकल तरीके से कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है और कंपनी क्रिएट करने के जस्ट बाद कौन कौन से फीचर्स हमें इनेबल करने होते हैं, जैसे हम GST को कैसे इनेबल करेंगे या वाउचर नंबर की सीरीज़ को हम किस तरीके से इनेबल करेंगे, स्टॉक आइटम हम किस तरीके से बनाएंगे, लेजर्स हम किस तरीके से बनाएंगे, ये सब कुछ हम प्रैक्टिकली रूप से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी जरूर क्लिक कर लें, ताकि हमारी टेली, बिजी, मार्ग, अकाउंटिंग और टैक्सेशन से रिलेटेड नई नई जो भी वीडियो रहेगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को हम ओपन करेंगे तो आप देख सकते हो अब जो नया इसका जो लोगो है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है टेली प्राइम का, और इससे पहले हम जो अभी टेली ERP9 सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर रहे हैं उसका लोगो इस टाइप का है। तो हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे और जैसे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का ये लेआउट हमारे सामने आएगा टेली प्राइम का कंपनी ओपन होते वक्त, यानी कि जब सॉफ्टवेयर ओपन होगा। तो दोस्तों, अब ये प्रेजेंट टाइम हमें कुछ इस तरीके के पॉपअप में वार्निंग हमें देगा TCS एक्सपायर की, लेकिन हम इसे एक बार स्किप कर रहे हैं और स्किप करने के बाद और हम प्रेजेंट टाइम में जो टेली प्राइम को रन कर रहे हैं वो हम एजुकेशनल मोड में रन कर रहे हैं, लेकिन जैसे 8 नवंबर के बाद जो हमारे लेटेस्ट यानी कि जो हम प्रेजेंट टाइम में जो सीरीज़ यूज़ कर रहे हैं टेली डॉट ERP9 वाली, तो उसका जो हमें सीरियल की है उसको हम टेली प्राइम में किस तरीके से उस लाइसेंस को अपडेट करेंगे इसका भी हम एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी हम जो वर्क कर रहे हैं वो इस एजुकेशनल मोड पर हम करेंगे। तो दोस्तों, इसका जो शॉर्टकट किया इसका हम TBM दबा सकते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन इसकी हमारी एजुकेशनल मोड में ओपन हो जाएगी। तो हम इसको एजुकेशनल मोड में ओपन करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी हमें क्रिएट करनी पड़ेगी और जो कंपनी प्रेजेंट टाइम में हमारे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में अगर बनी होगी तो उसका डिस्प्ले भी हमारे सामने यहाँ पे ही हो जाएगा, और अगर हमें कंपनी नई क्रिएट करनी है नई शुरुआत के साथ तो हम क्रिएट कंपनी पर हमारा जो स्क्रॉल ऊपर करके और इस पर इंटरप्रेस करेंगे, तो जैसे इंटरप्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने खुल के आएगा। तो आप स्टार्टिंग में आप देख सकते हो कंपनी डेटा पाथ, यानी कि इस कंपनी में जो हम क्रिएट करेंगे उस कंपनी का जो भी डेटा हमारा वर्किंग में रहेगा यानी कि जो डाटा सेव रहेगा वो इस लोकेशन पर सेव रहेगा। तो दोस्तों, ये आपके पास हो सकता है ये अलग लोकेशन आ रही हो तो आप इसे बाय डिफ़ॉल्ट सेट भी कर सकते हैं, मैनुअल रूप से चेंज भी कर देंगे। तो यहाँ पर हमें कंपनी नेम हमें टाइप करना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना होता है भाई कंपनी हम बोलते किसको हैं, यानी कि यहाँ पे जो लिखा है कंपनी नेम, तो कंपनी नेम हमें वो देना होता है जिस नाम से हम किसी बिजनेस की दुकान का या किसी कंपनी का अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं और जिस नाम से उस दुकान का उस कंपनी का नाम रजिस्ट्रेशन हुआ होता है। अब जैसे मेरे पास में जो मेरी जो कंपनी है उसके अंदर मेरी कंपनी का नाम है स्मार्ट एंटरप्राइजेस, यानी कि ये एक मेरी दुकान का नाम हो गया और जो दुकान का नाम होता है उसे ही हम कंपनी बोलते हैं। जैसे ये मेरे पास ये मेरे सेल्स का इनवॉइस है तो, और ये अगर मैं परचेज करूँगा तो जो मेरी कंपनी का नाम है वो हमेशा बायर्स में, कस्टमर में या बिल्ड में लिखा होएगा।
तो अब जो मेरी कंपनी का जो नाम है वो स्मार्ट एंटरप्राइजेज़ है, और इस स्मार्ट एंटरप्राइजेज़ के नाम से ही मैं कंपनी क्रिएट करूँगा। तो इस कंपनी नेम में मैं नाम टाइप करूँगा यहाँ पे स्मार्ट एंटरप्राइजेज़, और उसके बाद मेलिंग नेम, मेलिंग नेम में भी मैं एज इट इज़ मेरा स्मार्ट एंटरप्राइजेज ही रखूँगा। और उसके बाद में एड्रेस, और एड्रेस हमें कौन सा देना होता है, भी जिस लोकेशन पे हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो वो पर्टिकुलर सारे डिटेल हम यहाँ से देखेंगे। तो अब जैसे मेरे पास, मैंने यहाँ पे नियर मेन स्टैंड रायसनगर जो लिखा हुआ है वही मैं टाइप करूँगा। तो आपके पास कुछ और भी हो सकता है, आपका शॉप नंबर भी साथ को आप ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक बार शॉप नंबर भी टेम्परेरी रूप से कुछ दे देता हूँ, जैसे शॉप नंबर 10 नियर मेन बस स्टैंड रायसिंह नगर। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे हमारा जो कर्सर विंडो है वो ऑटोमेटिक नीचे आता रहेगा। अब अगर आपका एड्रेस कंप्लीट हो चुका है तो आप इसे एंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा, यानी कि स्टेट के लिए। तो स्टेट मेरा राजस्थान है, तो इस लिस्ट में मैं राजस्थान को सेलेक्ट करूँगा, और उसके बाद में कंट्री मेरा बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया ही है, और उसके बाद मेरे एरिया का पोस्टल कोड। तो इस तरीके से मैं मेरा टेलीफोन नंबर वगैरह सब कुछ जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी सारा डाटा मैं फिलअप यहाँ पे करूँगा, ईमेल एड्रेस वगैरह या वेबसाइट वगैरह। अगर आपकी आपके पास प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल ये सारा डाटा नहीं है तो आप इसे एक बार स्किप भी कर सकते हो, और इसे हम अल्टर करके यानी कि मॉडिफाई करके इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी बाद में भी हम फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें एक बात का ध्यान रखना है, जब हम टेली प्राइम में कंपनी अगर क्रिएट कर रहे हैं तो अभी मेरे सामने काफ़ी सारे फीचर्स ओपन हुए हुए हैं। अगर आप कंपनी क्रिएट करोगे टेली प्राइम में तो हो सकता है ये इतने सारे फीचर्स आपके सामने नए आ रहे हो। अगर नहीं आ रहे हो तो आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा F12, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो F12, यानी कि इस टेली प्राइम की कॉन्फिगर करने के लिए। तो जैसे हम F12 प्रेस करेंगे तो ये काफ़ी सारे फीचर्स हैं, तो हो सकता है ये फीचर्स आपके पास न हो। तो जो मैंने अभी तक सारे सारे फीचर है वो यस किए हुए हैं, तो इसलिए मेरे को सारे फीचर्स वहाँ पे शो कर रहे हैं। अगर आपके पास नो रहेंगे तो कुछ ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इनकी चार फीचर्स की, ये आपके सामने वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। अगर आपको डिस्प्ले करना है तो इन सभी फीचर्स को यस कर लेना। तो मेरे पास सारे फीचर्स यस हैं, तो इसलिए मेरे को ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो कर रहा है। और उसके बाद में फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर मेरा अभी मैं 2020-21 का वर्क मैं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं जो वर्किंग जो मेरी रहेगी वो 1 अप्रैल 2020 की रहेगी। तो उसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन जो मेरे पास आ रहा है, इसमें आप देख सकते हो वी बुक बिगिनिंग फ्रॉम, यानी कि आपका सेशन तो 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आपकी बिगिनिंग बुक्स यानी कि आपने अपनी बुक्स लिखनी कब से स्टार्ट करी है, आपने अपना बिजनेस कब से स्टार्ट किया है। तो दोस्तों अगर आपका बिजनेस 1 अप्रैल 2020 के बाद का स्टार्ट हुआ है तो आप वो अपनी डेट दे सकते हो, अदरवाइज अगर आपका बिजनेस पुराना चल रहा है तो आपको यहाँ पे 1/4/2020 ही रखना है। और मैं इंटर प्रेस करूँगा, और उसके बाद में सिक्योरिटी, यानी कि ये एक सिक्योरिटी पर्पज़ से ये काफ़ी सारे ऑप्शन मेरे से यहाँ पे पूछ रहे हैं, भी सेट टेली वैलिड पासवर्ड या कंट्रोल यूज़र एक्सेस कंपनी डाटा। अगर आप अपने टेली पे पासवर्ड वगैरह लगाना चाहते हो तो इन फीचर्स को हम यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इन्हें नो भी कर सकते हो। तो मैं इसे नो रखूँगा। अगर हम लगाना चाहेंगे तो हम इससे ये जो ऑप्शन हमारे पास आ रहा है कंट्रोल यूज़र एक्सेस कंपनी डाटा, तो इसे मैं यस करूँगा। तो जैसे मैं यस करूँगा तो मेरे से यहाँ से यूज़र नेम का ऑप्शन मांगेगा भी आप अपनी कंपनी का यूज़र नेम आप क्या देना चाहते हो, तो उसके बाद मुझे पासवर्ड भी देना पड़ेगा। तो मैं यूज़र नेम एक बार टेम्प्रेरी रूप से 1 दे देता हूँ, और पासवर्ड में भी 1 दे सकता हूँ, और कंफर्म पासवर्ड में भी 1 ही दूंगा। तो दोस्तों जैसे हम पासवर्ड लगाएंगे तो एक वार्निंग हमारे पास आएगी, वी फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनक्रिजिबल्स, यानी कि आपने जो यूज़र नेम और पासवर्ड जो अपने कंपनी के प्रोडक्शन के लिए जो लगाया है, आप यह तो बिल्कुल सिंपल लगाइए, या आप ऐसा अगर कोई लंबा चौड़ा अगर पासवर्ड आप लगा रहे हो तो आप इसे कहीं पे नोट करके रखिए। अदरवाइज होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमने 2 या 3 महीने की इसमें वर्किंग कर ली और उसके बाद में यूज़र नेम या पासवर्ड दोनों में से कोई एक भूल गए तो हो सकता है अपना जो डाटा जो अपनी जो वर्किंग जो करी हमने मेहनत जो करी है वो बेकार हो सकती है। तो ये एक टेली कंपनी की तरफ से एक वार्निंग है।
तो मैं इसको एंटर प्रेस करते हुए, और अभी जो इसका मेरा टेली ऑडिट फीचर है इसे मैं एक बार नो ही रखूँगा, और ओपनिंग एजुकेशनल मोड को भी मैं यस रखूँगा। और उसके बाद में ये सारी कंपनी इन्फॉर्मेशन में बेस करेंसी सिंबल ये रहेगा, और फॉर्मल नेम इंडियन रुपीज़ रहेगी, सभी सिंबल अमाउंट हम नो रख रहे हैं एक बार इसको, एड स्पेस बिटवीन अमाउंट्स एंड सिंबल इसको हम यस रखेंगे। अमाउंट्स दोनों डिफरेंस क्या हो गया, मान लीजिए जैसे आपने कोई अमाउंट रखी तो उसके अमाउंट जैसे हमारे पास ऑप्शन लिखा आता है अभी आरएस, या इस तरीके का लोगो आएगा, तो आरएस और आपने जो रुपए लिखे इनके बीच में स्पेस देना चाहते हो क्या? अगर हम स्पेस नहीं देंगे तो जो हमारी अमाउंट की जो वर्डिंग जो स्टार्ट होगी बिल्कुल इस एस के साथ से ही स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आरएस और जो हमारी जो अमाउंट रहेगी उनके बीच में एक स्पेस रहना कंपलसरी है। तो इसी तरीके से अमाउंट मिलियंस मिलियंस हम नहीं रखना चाहते। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस ये हमारा दो ही रहेगा। तो दोस्तों नंबर ऑफ डेसिमल का मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, अब मान लीजिए जैसे हम कोई अमाउंट हम लिख रहे हैं, जैसे हमने अमाउंट लिखी 200 रुपये, अब जैसे हम 200 लिखते हैं तो हमने सॉफ्टवेयर में देखा अभी 200 ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस यानी कि ये जो आप दशमलव जो लगाना चाहते हो ये कितनी डिजिट छोड़ के लगाना चाहते हो, तो हमें पता है भी हम सिंबल्स पैसा जो हमारा 99 तक 99 तक पैसा ही होता है, जो 100 होता है तो 1 रुपये में ऑटोमेटिक ही कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है वो 2 ही रहेगा। और उसके बाद में वर्ड आज को रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल पैसा, यानी कि बिल्कुल हम पैसे को भी साथ में यूज़ करेंगे, और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस अमाउंट इन वर्ड, तो ये भी हमारा 2 ही रहेगा। तो इस तरीके से हम इस एंटर एंटर प्रेस करते हैं, हम इसको विंडो को हम करेंगे एक्सेप्ट यानी कि सेव, हम इसे एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्मार्ट एंटरप्राइजेस और यूज़र नेम और पासवर्ड हमसे पूछेगा, तो हमारा यूज़र नेम था 1 और पासवर्ड भी 1। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली का ऑप्शन ये विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड्स, यानी कि अब जब भी हम टेली ERP 9 में कंपनी ओपन करते थे तो इस तरीके के कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आती थी, लेकिन अब ये ऑप्शन है आने लग जाएगा जैसे हम कंपनी को क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट करने के बाद जस्ट 2 ऑप्शन हमें इनेबल करने होते हैं, कौन कौन सा, नंबर 1 तो रहेगा GST को इनेबल करना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो टैक्सेशन से संबंध जितने भी हमारे टैक्स है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। और उसके बाद जो फर्स्ट ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST। तो दोस्तों अगर आपके पास इस तरीके की विंडो अगर ओपन नहीं होती है या ओपन होगी आपने जल्दबाजी में एस्केप कर दिया और ये विंडो मान लीजिए अब इस तरीके से वापस क्लोज होगी, तो अगर आपको GST इनेबल करना है तो हम कीबोर्ड से वापस F11 बटन भी प्रेस कर सकते हैं, या हम आप देख सकते हो ऊपर मेन्यू बार में इस टाइटल में इसमें कंपनी का एक मेन्यू दिया हुआ है, हम इस कंपनी पे क्लिक करेंगे तो हम ऑप्शन F11 फीचर्स पर यहाँ भी आ सकते हैं, या हमारी कीबोर्ड से शॉर्टकट हम F11 प्रेस करेंगे। तो जैसे हम F11 प्रेस करेंगे तो सेम वही विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम GST को इनेबल करेंगे और ये इसको यस करेंगे, तो जैसे हम इसको यस करेंगे तो GST डिटेल्स को इनेबल करना पड़ेगा, यानी कि हमारा जो GST नंबर है हमारी खुद की फर्म का वो सब कुछ डाटा हमें यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। तो स्टेट हमारा रहेगा इसमें राजस्थान, और रजिस्ट्रेशन टाइप हम अभी जो रजिस्ट्रेशन टाइप के जो अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे वो रेगुलर डीलर की करेंगे। दोस्तों एक कंपोजिशन और रेगुलर डीलर में क्या डिफरेंस होता है इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें, और उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया और ऊपर आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा। तो मैं इसे रेगुलर रखते हुए इसे मैं सेव करूँगा, और उसके बाद में GST नंबर, अब GST नंबर यानी कि स्मार्ट एंटरप्राइजेस का जो GST नंबर रहेगा वो हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। तो अभी आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, इसके हम बाद में भी सेव कर सकते हैं इस पर टाइप करके। और उसके बाद मैं इसे मंथली रखूँगा और इंटरप्रेस करते हुए सारे ऑप्शन को एक बार मैं AGTG एक्सेप्ट करूँगा और इस विंडो को भी मैं सेव करूँगा। दोस्तों यहाँ तक तो ऑप्शन था हमारे पास GST को इनेबल करना, और उसके बाद ऑप्शन रहेगा हमारे पास जो वाउचर नंबर की जो सीरीज है उसे ऑटोमेटिक की बजाय मैनुअल करना। तो हम उसको मैनुअल हम किस तरीके से करेंगे इसके लिए हम जाएंगे हमारे गेटवे ऑफ टेली के होम स्क्रीन पे, और उसके बाद इस अल्टर के ऑप्शन पर
हम इसे एल्टर ऑप्शन पर एंटर प्रेस करेंगे, और एल्टर ऑप्शन प्रिंट एंटर प्रेस करने के बाद हम आएंगे इस वाउचर टाइप पर, और वाउचर टाइप पर हम एंटर प्रेस करेंगे तो इसके बाद हमारे सारे जितने भी वाउचर्स होते हैं टैली में बाय डिफ़ॉल्ट उसके सारे वाउचर्स हमारे सामने शो हो जाएंगे, और जिस जिस की कॉन्फ़िगरेशन हमें चेंजिंग करनी है वो वाउचर्स को हम यहाँ से एक एक को सिलेक्ट करके इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं। तो हमें प्रेजेंट टाइम में परचेज वाउचर का भी जो वाउचर नंबर ऑफ सीरीज है वो मैनुअली रखनी है, सेल्स वाउचर की भी रखनी है, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर की सीरीज है जो चेंज करनी है। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा इसमें से परचेज वाउचर को, और जैसे हम परचेज वाउचर को सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक होता है, तो हमें यहाँ पे इसको ऑटोमेटिक की बजाय यहाँ से मैनुअल करना है। तो इसको मैं मैनुअल सेलेक्ट करूँगा, और प्रिवेंट डुप्लीकेट्स यानी कि आप एक ही वाउचर नंबर को दो बार अगर आप एंट्री कर रहे हो तो आपको वार्निंग मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, तो बिल्कुल मिलनी चाहिए, तो इसको हम यस करेंगे और बाकी फीचर्स को हम एज इट इज रखते हुए इसको सेव कर देंगे। और तो इसी तरीके से सेल्स वाउचर को भी ऑटोमेटिक की बजाय हम इसको मैनुअल सेलेक्ट करेंगे, और प्रिवेंट डुप्लीकेट्स को भी यस करके इसको कंट्रोल ए के साथ भी हम सेव कर सकते हैं। इस तरीके से पेमेंट वाउचर ऑटोमेटिक की बजाय इसको मैनुअल, और डुप्लीकेट को भी यस, और इस तरीके से रिसिप्ट वाउचर ऑटोमेटिक बजाय मैनुअल और डुप्लीकेट को यस, और एक रहेगा कॉन्ट्रा। तो दोस्तों आप भी इन सभी वाउचर्स को भी आप मैनुअली रख सकते हो, तो ये मैनुअली कहाँ रखना ज़रूरी होता है, भी ऐसी कोई बिजनेस जहाँ पे मैनुअल अकाउंटिंग भी साथ में मेंटेन की जाती है, यानी कि मैनुअल बिल्स होते हैं जो सेल्स के वगैरह के, या जो हम कस्टमर को रसीदें देते हैं, या हमारे पास जो रसीद आती है वो सब कुछ मैनुअली रूप से आती है, तो इस टाइप की बिजनेस में ये सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है जो चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो ये सब कुछ फीचर्स हमारा कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों उसके बाद सबसे पहले हमें लेज़र क्रिएट करने पड़ेंगे, और लेज़र क्रिएट करने का जो तरीका होता है वो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली के इस क्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। हम क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट हमें करना है लेज़र, तो इसमें से हम लेज़र को सिलेक्ट करेंगे, और लेज़र को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लेज़र क्रिएशन की एक विंडो हमारे सामने ओपन हो के आएगी। तो दोस्तों अब हमें लेज़र क्रिएट करने कौन कौन से होते हैं ये हमें पता होना चाहिए, यानी कि हम हमारी बिजनेस में जो हमने मैनुअल अकाउंटिंग मेंटेन कर रखी है उसमें जो भी हमारे कस्टमर रहेंगे उन सब के लेज़र हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, जो हमारे सप्लायर्स होंगे यानी कि जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं, हमारे जो सेंट्रिक क्रेडिटर होते हैं उनके हमें लेज़र क्रिएट करने पड़ेंगे, हमने जो भी बिजनेस में जो खर्चे किए हैं उन सब खर्चों के भी लेज़र हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, जो इनकम्स के लेज़र हमारे सब वो लेज़र क्रिएट करने पड़ेंगे। तो दोस्तों हम जैसे ये हमारा सेल्स इनवॉइस है और हमारा एक कस्टमर है शिवम, यानी कि हम इस शिवम को हमने ये गुड्स सेल किया हुआ है इस इनवॉइस के थ्रू, तो शिवम का लेज़र हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर नाम टाइप करेंगे शिवम का, और उसके बाद में अंडर यानी कि ये लिस्ट ऑफ ग्रुप में से हमें पूछेगा भी आपको शिवम को कौन से ग्रुप में रखना चाहते हो। तो दोस्तों रूल के अकॉर्डिंग यानी कि ये हमारा कस्टमर है, और अगर हम किसी कस्टमर को अगर उधार सामान अगर हम सेल करते हैं तो उसका जो ग्रुप है हम सेंडरी डेब्टर्स सेलेक्ट करते हैं, तो आप रूल के अकॉर्डिंग हम ग्रुप भी हम यहाँ पे देख सकते हैं भी जिस व्यक्ति को हम उधार सामान बेचते हैं यानी कि जो हमारे कस्टमर होते हैं वो हमारे सेंडरी डेब्टर्स रखेंगे, और जिस कंपनी से या फर्म से हम उधार सामान हम खरीदते हैं यानी कि जो हमारे सप्लायर्स होते हैं वो हमारे सेंड्रिक क्रेडिटर्स होते हैं। तो शिवम को हमने गुड्स सेल किए हैं तो इसलिए इसका जो ग्रुप है वो हम सेंड्री डेब्टर्स सेलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हो ये सेंड्रिक क्रेडिटर और सेंड्री डेब्टर जो दोनों बिल्कुल पास में हैं, तो हम इसमें से सेंड्री डेब्टर्स को सिलेक्ट करेंगे, और मेंटेनेंस बैलेंस बिल बाई बिल इसको हम यस रखेंगे, और उसके बाद में शिवम का जो भी एड्रेस रहेगा वो एड्रेस हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, स्टेट राजस्थान रहेगा, इसका जो पोस्टल कोड वगैरह वो यहाँ से डाल सकते हैं, और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन टाइप यानी कि
जो शिवम है ये आपका कोई दुकानदार है, यानी कि कोई रजिस्टर्ड पार्टी है या कोई कस्टमर है या अनरजिस्टर्ड है। अगर आपका कस्टमर है तो हम इसे एक बार अनरजिस्टर्ड में ही इसको रखेंगे और इसको एंटरप्रेस करते हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम हमारी कंपनी में जितने भी लेज़र्स रहेंगे इन सब को हम बारी बारी से क्रिएट करेंगे। और उसके बाद में एक हमारे सप्लायर्स है, यानी कि हमने श्याम ब्रदर से गुड्स परचेज किया हुआ है, इस इनवॉइस के थ्रू ये इसकी स्टॉक आइटमें वगैरह है, तो हमें श्याम ब्रदर्स का भी एक लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए सेम वही प्रोसेस, तो हम यहाँ पर नाम टाइप करेंगे श्याम ब्रदर्स, और ये हमारा सप्लायर है, यानी कि हमने इस पार्टी से उधार में सामान खरीदा है, तो जिससे हम उधार सामान खरीदते हैं वो सेंडरी क्रेडिटर में इसको सेलेक्ट करेंगे हम। और उसके बाद में यहाँ पे श्याम ब्रदर्स का एड्रेस, और श्याम ब्रदर्स का जो एड्रेस होता है जब पार्टी से हम इनवॉइस लेते हैं तो उस इनवॉइस पे लिखा होता है, जैसे शॉप नंबर 145 फर्स्ट ब्लॉक बीकानेर, तो ये एज इट इज़ एड्रेस हम इसके एड्रेस के कॉलम में टाइप करेंगे, शॉप नंबर 145 फर्स्ट ब्लॉक बीकानेर, तो स्टेट राजस्थान। इसका जो एरिया का जो पोस्टल कोड रहेगा यानी कि पिन कोड रहेगा वो भी हम रखेंगे। और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन टाइप, यानी कि ये जो श्याम ब्रदर्स जो पार्टी है ये किस टाइप की रजिस्ट्रेशन है, ये अनरजिस्टर्ड है, रेगुलर है, कंपोजिशन पार्टी है या कंज्यूमर है, तो ये हमारे लिए रेगुलर डीलर है, तो हम इसको रेगुलर डीलर में सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डीलर में क्या होता है, इस पर वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को अभी आप ज़रूर देखें। और ये हमें प्रेजेंट टाइम में यहाँ से पता चलेगा, क्योंकि जिस जो पार्टी अपने इनवॉइस में ये टैक्सेबल अमाउंट, CGST अमाउंट, SGST अमाउंट अलग अलग का इसका ब्यौरा देती है, SGST CGST टैक्स चार्ज हमें करती है, इनवॉइस में शो करती है, तो इसका मतलब वो पार्टी रेगुलर में ही रजिस्टर्ड होती है। अगर ये पार्टी कंपोजिशन में होती तो इस टाइप का जो SGST CGST अमाउंट है ये इस तरीके का कुछ भी नहीं लगाती, ये नेट अमाउंट का ही बिल इनवॉइस हमें इशू करके देती है। तो हम इसे, और यहाँ पर GST नंबर, श्याम ब्रदर्स का जो GST नंबर है वो हमें यहाँ लिखना होता है, तो हर इनवॉइस पे यहाँ पे आप देख सकते हो, इस इनवॉइस में यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, हो सकता है कई अलग अलग सॉफ्टवेयर में ये श्याम ब्रदर्स के यहाँ पे नीचे यहाँ पर भी हो सकता है, बिल्कुल लास्ट में भी हो सकता है, इधर साइड में कहीं भी हो सकता है, तो ये एक अलग अलग सॉफ्टवेयर की अलग अलग डिजाइनिंग होती है। तो ये जो GST नंबर है इसका, ये GST नंबर हमें इसके GST नंबर में हम टाइप करेंगे और एंटरप्रेस करते हम इसको सेव करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपके बिजनेस में जितने भी लेज़र हैं सबको आपको बारी बारी से क्रिएट करना पड़ेगा। और उसके बाद में हमें जो ट्रेडिंग जो बिजनेस रहेगा हमारा, जो ट्रेडिंग का जो लेज़र है उसका भी लेज़र हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो जो बिजनेस है वो हमारा आप स्टॉक आइटम देख के हम लगा सकते हैं, इसमें आप देख सकते हो भी Seagate, हार्डिक्स, HP कीबोर्ड, डेल कीबोर्ड, यानी कि एक कंप्यूटर्स के पार्ट्स हम खरीदते हैं और कंप्यूटर्स के पार्ट्स को हम सेल करते हैं, तो इसका मतलब हमारे कंप्यूटर्स पार्ट्स हम परचेज है और सारा का सारा ये GST 18% के ही आइट में है। तो हमें यहाँ पे हमारे ट्रेडिंग के लेज़र सेल और परचेज के भी क्रिएट करने पड़ेंगे। तो इसमें मैं लेज़र मेरा क्रिएट करूँगा, एक तो कंप्यूटर पार्ट्स परचेज @GST 18%, तो ये मेरा परचेज है, तो अंडर में इसे मैं रखूँगा परचेज काउंट के, और उसके बाद में टाइप ऑफ लेज़र इसे मैं नॉट एप्लीकेबल रखूँगा, और उसके बाद में GST एप्लीकेबल, बिल्कुल एप्लीकेबल है, इस GST लगेगी, और ये मेरी लोकल की परचेज है तो इसे मैं GST डिटेल को यस करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद में टाइप ऑफ सप्लाई इसे मैं गुड्स रखते हुए लेज़र को सेव करूँगा। तो इस तरीके से ये कंप्यूटर पार्ट्स सेल्स का भी मेरा एक लेज़र बनेगा, GST 18%, और ये अंडर में रहेगा सेल्स काउंट के, और टाइप ऑफ लेज़र्स है वो नॉट एप्लीकेबल, GST एप्लीकेबल रहेगी, इसको GST को डिटेल को मैं नो रखूँगा, और जो टाइप ऑफ सप्लाई है वो गुड्स रहेगी, और इस लेज़र को भी मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो इस तरीके से मेरे ट्रेडिंग के लेज़र और मेरे कस्टमर्स लेज़र और पार्टी के लेज़र भी क्रिएट हो चुके हैं। और उसके बाद हमें स्टॉक आइटम को क्रिएट करनी पड़ेगी। अब स्टॉक आइटम हमें जो हमारे इनवॉइस में जो हमारे पास आई है इन सभी का
स्टॉक आइटम हमें बनाना पड़ेगा। तो स्टॉक आइटम बनाने के लिए सेम वही ऑप्शन गेटवे टेली के इस क्रिएट फीचर्स पर हम एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद इन्वेंटरी मास्टर में आते हुए से स्टॉक आइटम में आइटम को हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में उस स्टॉक आइटम का नाम हमें टाइप करना पड़ेगा जो स्टॉक आइटम हमारे पास हमने परचेज करी है, जैसे कि सीगेट हार्डिक्स 1 TB, सीगेट हार्डिक्स 1 TB। तो ये स्टॉक आइटम का नाम हमने क्रिएट कर दिया और उसके बाद में अंडर हमें पूछेगा भी ये आप इसे कौन किसके अंडर में रखना चाहते हो। तो दोस्तों ये हमारे कंप्यूटर्स के पार्ट हैं तो हम इसे कंप्यूटर पार्ट्स के अंडर में एक नया ग्रुप इसका क्रिएट कर देंगे। तो अब आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर प्राइमरी आ रहा है लिखा हुआ, तो हमें एक कंप्यूटर पार्ट्स का एक अलग ग्रुप क्रिएट करना है। तो आप चाहो तो आपके पास दो ऑप्शन अब आपको मिल रहे हैं टेली प्राइम में, जबकि ये ऑप्शन टेली प्राइम में एक ही था। आप शॉर्टकट Alt+C आप यहाँ से क्रिएट करोगे, कीबोर्ड से आप बटन प्रेस करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा स्टॉक ग्रुप क्रिएशन का, यानी कि आपको ये ऑप्शन देख रहा है सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब क्या हो गया भी, ये जो ऑप्शन है ये दूसरा तरीका है आपका स्टॉक ग्रुप बनाने का, इससे पहले आप फर्स्ट ऑप्शन इसका एक अलग से होता है। तो आप ये ऑप्शन भी यहाँ से Alt+C से भी जा सकते हो और इधर आप यहाँ देख सकते हो भी लिस्ट ऑफ ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन यहाँ पर नया दे दिया गया है क्रिएट का। तो आप अपने कर्सर से अप बटन करोगे तो ये जो कर्सर है ये क्रिएट पे आ जाएगा और आप क्रिएट से भी जाओगे तो भी आप इसी ऑप्शन पे ही आ जाओगे स्टॉक ग्रुप क्रिएशन सेकेंडरी पे। तो आप दोनों में से जो मर्जी ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कंप्यूटर्स पार्ट्स का इसका ग्रुप क्रिएट कर दिया और बाकी सभी फीचर्स को एजिटीज रखते हुए इसको मैं एक्सेप्ट करूँगा। और उसके बाद में यूनिट्स यानी कि इस प्रोडक्ट को हम किस यूनिट में सेल करते हैं, यानी कि पीस में सेल करते हैं, दर्जन में सेल करते हैं, किलोग्राम में सेल करते हैं, क्विंटल में सेल करते हैं। तो दोस्तों हमें एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर जो यूनिट रहेगी वो हमारी सेल यूनिट ही हमें रखनी है। अब मान लीजिए आपने ये जो सीगेट हार्ट्स का जो हार्डिक्स 1 TB का जो प्रोडक्ट हमने क्रिएट किया है यहाँ पर स्टॉक आइटम का नाम आपने परचेज तो इसको बॉक्स में किया हुआ है, यानी कि आपने किसी कंपनी से वहाँ पे डायरेक्ट आपने बॉक्स का ही बॉक्स परचेज कर लिया, एक कार्टून है, एक कार्टून में 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। लेकिन अगर हम इसे एक एक पीस टू पीस हम इसको सेल करते हैं तो हमें बॉक्स यूनिट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम यूनिट बनाएंगे पीस की, यानी कि हमने जो जिस यूनिट में इसको सेल किया है वो यूनिट हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो बाई डिफ़ॉल्ट ये नोट एप्लीकेबल आ रहा है और अब हमें यहाँ पर पीस का जो यूनिट है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो सेम ऑप्शन हम यहाँ पर भी चूज कर सकते हैं, Alt+C से शॉर्टकट यहीं पे भी बना सकते हैं और या आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने क्रिएट का एक नया ऑप्शन दे दिया है, हम इस क्रिएट के बटन पे क्लिक करके भी नया यूनिट बना सकते हैं। तो मैं क्रिएट पे इंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पर सिंबल से मैं टाइप करूँगा PCS और उसके बाद यूनिट UQC यानी कि यूनिट क्वान्टिटी कोड में भी मैं PCS ही सिलेक्ट करूँगा इस लिस्ट में से। ये लिस्ट है जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके सामने ऑटोमेटिक रहेगी जब आप अपने सिस्टम में इस टेली प्राइम में GST को इनेबल कर लोगे। और उसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है ये पीस की कंडीशन में 0 ही रहता है और इसे मैं एक्सेप्ट करूँगा और अल्टरनेट यूनिट में कुछ भी नहीं करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा और उसके बाद में ये ट्रेजरी ऑप्शन जो GST का जो डाटा आ रहा है इसमें हम फिलअप कुछ ऑप्शन हमें देने पड़ेंगे। तो GST एप्लीकेबल बिल्कुल एप्लीकेबल रहेगा। तो उसके बाद में GST डिटेल इसको मैं यस करूँगा, जैसे यस करूँगा तो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से मांगेगा HSN कोड से संबंधित, तो डिस्क्रिप्शन में हम मैं दूँगा इसके कंप्यूटर पार्ट्स और इसका जो HSN कोड है, अब HSN कोड हम इनवॉइस में देख सकते हैं 8471 ये कोड हमें लग के आया हुआ है, तो ये 8471 हम यहाँ टाइप करेंगे और इसके बाद नॉन GST गुड्स इसको हम नो रखेंगे और उसके बाद में यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा कैलकुलेशन टाइप, तो कैलकुलेशन टाइप में हमें सेलेक्ट करना रहेगा ओन वैल्यू, यानी कि जो इसकी इनवॉइस इस स्टॉक आइटम की जो वैल्यू रहेगी जो टैक्स है वो ओन वैल्यू पर ही कैलकुलेट होना चाहिए। और उसके बाद में जो टैक्स एबिलिटी जो रहेगी इसके अंदर हम रखेंगे यहाँ पे इसको
टैक्सेबल। अगर ये हमारा प्रोडक्ट टैक्सेबल है यानी कि इस पर GST लगती है तो हम इसे टैक्सेबल में रखेंगे, अगर ये जो प्रोडक्ट है ये टैक्स फ्री है तो इसे हम एग्जम्प्ट में रखेंगे। तो ये बिल्कुल GST 18% का प्रोडक्ट है तो हम इसे यहाँ से टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे। रिवर्स चार्ज इस पर कुछ भी नहीं है। और उसके बाद में जो IGST रेट यानी कि इसका जो टैक्स का जो रेट है फुल रेट है जो वो 18% का है, तो बाद में आप देख सकते हो इसके अंदर CGST और SGST का जो टैक्स है वो 9% है जो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। और एंटर प्रेस करते हुए इसको मैं और टाइप ऑफ सप्लाई में से मैं गुड्स रखते हुए इसे एक्सेप्ट करूँगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे पास जितनी भी स्टॉक आइटम है हम बारी बारी से इन सभी स्टॉक आइटम को इसी तरीके से ही क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में इन परचेज वाउचर्स की जो एंट्री जो परचेज इनवॉइस हमारे सामने है इस परचेज इनवॉइस की एंट्री हम किस तरीके से करेंगे और उसके बाद में हमने हमारे जो कस्टमर को जो सेल्स इनवॉइस जो सेल की है उसकी एंट्री हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों ये सब कुछ हम प्रैक्टिकली रूप से सीखने वाले हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है आप इस पूरी सीरीज़ को कंप्लीट देखें ताकि आपको अच्छी तरीके से सारा कुछ ये समझ में आ जाए। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर कर देना। अगर वीडियो कैसी लगी आप हमें ये कमेंट करके भी ज़रूर बताना। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी ज़रूर क्लिक कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।